जय हिंद भाई लोग। इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियां ऐसी रहेंगी जो नए कैंडिडेट के लिए रहेंगी, कुछ ऐसी रहेंगी जो पुराने कैंडिडेट के लिए रहेंगी। लेकिन अगर आपका टारगेट है 2025 में आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट के पद को ज्वाइन करना, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की एक पद को ज्वाइन करना, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होकर और भारत देश की सेवा करना, तो निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला। साथियों, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड, चाहे आप नए कैंडिडेट हैं चाहे पुराने कैंडिडेट हैं, सभी के लिए यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा 7-8 मिनट का लंबा हो जाए, आपको जो समझ में ना आए या फिर आपके काम की ना हो उसको स्किप कर दीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं है आपके काम की तो जानकारी के पर्पस से ही देखिएगा। बाकी साथियों, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती की तैयारी करते हैं तो टारगेट फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले साथियों मैं बता दूँ, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में अभी लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई हुई थी उसका एग्जाम हुआ है, फिजिकल हो चुके हैं किसी किसी जेडारो के। मैं बता दूँ, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का फिजिकल एआरओ वाइज नहीं होता, जेडारो वाइज होता है। एक जेडारो में कई सारे स्टेट आ सकते हैं, कई सारे एआरओ आ सकते हैं। एआरओ आपका क्षेत्रीय होता है और जो जेडारो होता है वो आपका जोनल होता है। जेडारो के तहत ही आपकी कट ऑफ लगती है, जेडारो के तहत ही आपकी वैकेंसी आती है। ऑल ओवर इंडिया में जेडारो वाइज ही आपकी वैकेंसी क्लियर की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती प्रक्रिया होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। भर्ती प्रक्रिया में आप सभी को पता है, पहले आर्मी भर्ती के साथ ही आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती होती थी, उसके बाद अग्निवीर योजना आई, इसको अग्निवीर के तहत अग्निवीर योजना से बाहर रखा गया है। उससे क्या फर्क है अग्निवीर में ना रखने से, अग्निवीर में रखने से सारा कुछ नियम अग्निवीर वाला हो जाता है, लेकिन अग्निवीर से बाहर रख दिया गया है। इस वजह से ये इंडियन आर्मी जैसे पहले हुआ करती थी सेम एज वैसे परमानेंट भर्ती है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है साथियों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टारगेट फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेट आए हैं मैं उनको बता दूँ, आपका जो जेडारो लगता है आप देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा। जैसे अगर आप हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं तो आपका जो जेडारो लगेगा वो अंबाला लगेगा। आप कर्नाटक, केरल और यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप या फिर आप माहे से आते हैं तो आप बेंगलोर जेडारो के तहत आते हैं। अगर आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार ग्रुप, आइसलैंड से आते हैं यानी कि द्वीप समूह से आते हैं तो आपका जो जेडारो लगेगा वो चेन्नई लगेगा। उसके बाद साथियों जेडारो दानापुर आता है जिसमें दो स्टेट कवर किए जाते हैं, बिहार और झारखंड के। आप किसी भी जिले से आते हैं आप दानापुर में आप भर्ती देखने जाएंगे, दानापुर जेडारो के तहत आएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जबलपुर जेडारो काम करता है। राजस्थान के लिए ओवरऑल एक स्टेट के लिए जयपुर जेडारो काम करता है। जलंधर जेडारो में साथियों दो स्टेट आते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर। उसके बाद वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के लिए कोलकाता जेडारो आता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दो स्टेट के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जेडारो है लखनऊ जेडारो आता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दमन दीव, दादर नगर हवेली और गोवा के लिए पुणे जेडारो काम करता है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इसके लिए शिलोंग जेडारो काम करता है जो कि मेघालय की राजधानी है। नेपाल के लिए साथियों जीआरडी कुनूर घाट गोरखपुर काम करता है जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती नेपाल वालों के लिए करवाता है। उसके बाद साथियों दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात और पलवल जो ये राजस्थान, जो ये हरियाणा के और ज़िले आते हैं उसके साथ साथ पूरी दिल्ली, इसकी आईआरओ के तहत भर्ती कराई जाती है जो कि कैंट दिल्ली है। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है जेडारो जिसके तहत आप भर्ती देखते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस जेडारो से आते हैं ताकि आपको भी जानकारी दी जा सके। उसके बाद साथियों मैं बता दूँ, इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन आवेदन कराया जाता है, फिर CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, मतलब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है। उसके बाद एक मेरिट जारी की जाती है, मेरिट में आने वाले कैंडिडेट का फिजिकल करवाया जाता है। फिजिकल पहले जैसे ही होता है आपका, फिजिकल में वही सबसे पहले 4 बजे से रनिंग स्टार्ट हो जाती है सुबह। उसके बाद साथियों रनिंग करवाया जाता है, 1600 मीटर की रनिंग होती है। रनिंग का कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है। यहाँ पे मैं एक बात अभी से ही क्लियर कर देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टेस्ट के ही बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लगाई जाती है, आप चाहे जिस भी जेडारो से आते हैं।
उसके बाद साथियों मेरिट लगाई जाती है, मेरिट में पास जो भी होते हैं उनका फिजिकल कराया जाता है। फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग होती है, उसके बाद 9 फीट का गड्ढा कूदा जाता है, डिस्टेंस डिस्पैच बोला जाता है, उसके बाद जिग जैग बैलेंस होता है, बैलेंस बनाया जाता है, फिर बीम लगवाया जाता है। 10 बीम आपको हर हाल में लगाने होते हैं, इतना टोटल फिजिकल प्रोसेस होता है। उसके अगले दिन आपका मेडिकल प्रक्रिया कराई जाती है। मेडिकल के बाद साथियों आपको वेट करना होता है और आपकी फाइनल मेरिट लगती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन इस बीच मैं एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस है वो मैं अलग से बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के लिए स्पेशली मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और आज से प्लेलिस्ट सिर्फ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की ही रहेगी, इसमें आप चाहे जिस भी जेडारो से आते हैं ऑल ओवर इंडिया के, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती से ही जुड़ी जानकारियाँ इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेंगी, वो भी 2025 की वैकेंसी के लिए प्लेलिस्ट रहेगी। बस 2025 वाली वैकेंसी को मैं कवर करना स्टार्ट कर दिया हूँ, बाकी ये 2024 वाली जो वैकेंसियाँ ये अभी चल रही हैं उसके बारे में जो जानकारी आती रहेंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। लेकिन ये टारगेट 2025 के लिए मैं रख रहा हूँ, आज से आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देना है। मैं बता दूं एक एक दिन आप बचा के चलेंगे तब जाके 2025 की आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इतने आसानी से सिलेक्शन नहीं होता, लोग रिटर्न टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं, रिटर्न निकाल के जाते हैं तो आप फिजिकल में फेल हो जा रहे हैं, इस तरीके से है। तो साथियों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रिटर्न टेस्ट की पूरी जानकारी, भाई मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना मैं दौड़ाता हूँ, ये सारा काम ना मैं फिजिकल एकेडमी नाम है बट वो सिर्फ एक चैनल का नाम है, कोई संस्था नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, मतलब कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है कि इस तरीके से मैं आपको कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको जानकारियाँ दी जाएंगी, आपका फिजिकल मेडिकल रिटर्न एग्जाम पैटर्न ज्वाइनिंग लेटर ट्रेनिंग और नोटिफिकेशन एज लिमिट क्वालिफिकेशन सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी समय समय पे। तो अगर 2025 में आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो टारगेट फिजिकल एकेडमी से जुड़ जाइएगा, जो जुड़े हैं उनको पता ही हो, हर एक जानकारी उनको पहले से है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे मैं लगातार प्रोवाइड कराता रहता हूँ पीडीएफ वगैरह या फिर जो भी अपडेट आता रहता है मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, वहाँ पे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़ जाए, वैसे जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे भी जानकारियाँ देता रहता हूँ। उसके बाद मैं बता दूं जो नर्सिंग असिस्टेंट नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का, देखिए जब भी जारी होता है एक साथ सभी का होता है, जैसे ये होता है अलग अलग होता है, जेडारो वाइज ही नोटिफिकेशन क्लियर किया जाता है, जेडारो लखनऊ का नोटिफिकेशन जारी किया गया, फिर जेडारो जलंधर का नोटिफिकेशन, फिर आईआरओ दिल्ली का नोटिफिकेशन, बट एक दो दिन के अंतराल पे ही सारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ये नहीं कि आज लखनऊ का जारी किया गया एक महीने बाद कोलकाता का जारी किया जाएगा फिर एक महीने बाद बंगलुरु का, ऐसा नहीं होता, जब भी वैकेंसियाँ आएंगी एक साथ ही आ जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बट अभी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, अभी आपको सिर्फ तैयारी करना है, इंडियन आर्मी की तैयारी उन्हीं की अच्छे से हो पाती है, फिर कहूँ उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है जो पहले से लगे रहते हैं, जो पहले से तैयारी करते रहते हैं। तो आप सोचो को नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं तो इंडियन आर्मी का सपना आप भूल जाइए, चाहे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट की, चाहे जिसकी भी, इस तरीके से आपका पूरा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती की मैं जानकारी दिया हूँ। 12th क्लास बायोलॉजी से पास होना चाहिए, आप नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देख सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आएगी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।